कि मुझे अगर यकीन हो ना, मुझे यकीन हो कि मेरी शादी या मेरे भाई की या मेरे बेटे की शादी बबरकत होगी अगर उसमें कम खर्च होगा, मेरे नबी की हदीस है, मैं अमल करूंगा इस पे। खुदा ही कसम, मुआशरा आपका आधा सही हो जाए, इस पे अमल तो करें आप। सफेद पोश लोग, आप अल्लाह ताला ने अगर आपके ऊपर रहमतों का नजूल किया है, आपको रिस्क से माला माल किया है, तो आप उस रिस्क के ऊपर फिरौन बन जाएं, गरीबों का जीना मुश्किल कर दें। आज गरीब का सबसे बड़ा मसला है शादी करना है, क्योंकि हमने एक सोसाइटी के अंदर ऐसा नॉर्म बना दिया है भाई, शादी जहेज है, फिर वो 25 लाख का जहेज होगा, 25 लाख का सोना होगा, 25 लाख के आपके एक VIP खाने होंगे। आजकल तो स्टेज सेटअप भी 5-5 लाख। मैं कह रहा हूँ ये हमारे नबी की तालीमात है, डेकोर 10-10 लाख के। मैं बड़े फखर से कहता हूँ अल्लाह ताला मेरे पे जितनी मर्जी अपने रिस्क की बारिश करे, अल्लाह ताला मुझे कभी जिंदगी के अंदर इस बुराई के अंदर, इस फितने के अंदर मुब्तला ना करे कि मैं अपनी नस्लों की शादियों पे करोड़ों रुपया उजाड़ा हूँ। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन हाथों को कभी किसी के आगे किसी का मोहताज ना करें, ये हाथ जब भी उठे तेरे आगे उठे। और अल्लाह का फजलो करम से अल्लाह ताला ने मुझ पे बेहद बेहद रहमतों का नुज़ूल किया है, मुझे अल्लाह ताला ने बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चे की शादी इंशाल्लाह मैं मस्जिद के अंदर निकाह करूंगा इंशाल्लाह, और मैं जहेज की लानत पे ऊपर काटा मारूंगा और हम करके दिखाएंगे। ये अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, आपके नजदीक आपके नबी का कौन सा